धार्मिक नगरी पुष्कर से शुरू हुई तिरंगा कांवड़ यात्रा आज मार्बल सिटी किशनगढ़ पहुंची, जहां कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़ देर रात पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा रवाना हुई। सावन माह में निकली कांवड़ यात्रा भोले बाबा व भारत माता के जयकारों के साथ निकली। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता कांवड़िये शामिल रहे। कांवड़ यात्रा में हाथों में लहराते तिरंगे झंडे कांवड़ यात्रा का आकर्षण रहा। सांसद भागीरथ चौधरी ने इस मौके पर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के अभियान की भी शुरुआत करते हुए पोस्टर का विमोचन किया। सांसद चौधरी ने जगह जगह आए हुए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। किशनगढ़ पहुंचने पर जगह जगह कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। किशनगढ़ पहुंचने पर मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन व मार्बल व्यापारी राजेंद्र यादव सहित सामाजिक संगठन के लोगों ने कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया। ये जो पवित्र महीना है और उसका भी कल सोमवार सोमवार है, इससे भोले शंकर की कृपा है। दूसरा, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना है कि हर घर में तिरंगा फहरना चाहिए। यदि तिरंगा फहरेगा तो राष्ट्रीयता की भावना आएगी, राष्ट्रीयता की भावना आएगी तो देश में एकजुटता होगी, देश में एकजुटता होगी तो ये देश खुशहाल राष्ट्र बनेगा, ये देश धर्म में वापस पहुंचेगा, ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना जरूरी है। हमने देखा इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, जो तिरंगा कांवड़ यात्रा जो जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है उसका राज से वहाँ से कलश लेकर सारे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के सभापति की